नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों आज एक भाई साहब ये बेल वाली मशीन लेकर आए हैं बनवाने के लिए, जो कि महाराजगंज से, और थोड़ा सा यहाँ से लाइट ज़्यादा दिख रहा है। तो ये मशीन मेरे पास बनने के लिए भाई लेकर आए हैं। वो भी लगभग कितने किलोमीटर से आए हैं? 40 किलोमीटर से आए हैं। तो गनीमत था, ये हमारे 40 किलोमीटर नियर में थे और हम आसानी से मिल गए इनको। लेकिन बहुत से लोग तो कॉल करते हैं दिल्ली, बम्बई, कर्नाटका। तो ये फिक्स जार वाला है, 2.5 लीटर का जार होगा हमारे ख्याल से, 2.5 लीटर का जार है और फिक्स जार वाला है ये। देखिए इसमें जार लॉक करने के लिए व्यवस्था दिया हुआ, यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। और इसमें कमी क्या है? मतलब खाली तो चल रही है, और मतलब जब बेल उसमें फोड़ के डाले और पानी डाले तब नहीं चल रहा। अब इनका कहना है कि ये खाली चला रहे हैं तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन जब इसमें जो है मटेरियल डाल रहे हैं तो नहीं चल रहा है। तो अब देखिए स्मूथ एकदम, एक हाथ से एकदम आराम से स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बीमारी क्या है? ये कपलर आप देख सकते हैं, बीमारी कपलर से ही है। 99% कपलर अगर देखेंगे तो ये अल्टर बैठा हुआ कपलर है। देखिए कपलर सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है कपलर। और जब टेढ़ा कपलर रहेगा तो इस कपलर को कपल नहीं कर पाएगा ढंग से, तो ये अटक जाएगा। क्योंकि एकदम बिल्कुल देखिए ये उठा वाला भाग है, इधर भाग जो है डाउन है, तो एकदम टेढ़ा ऐसे दिख रहा है। तो ये कपलर निकाल के दूसरा कपलर इसमें लगाया जाएगा और उसके बाद तब ये क्लियर होगा। अब इसको निकालते हैं, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों ये पूरा बेस हम खोल रहे हैं, और कारण क्या है, इसका जो थ्रेड है वो सही नहीं है। कोई ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या मेकिंग फॉल्ट है, जब बन रहा था तभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये इसका थ्रेड सही नहीं है, इसलिए कपलर बैठ नहीं रहा है। कपलर बैठ ही नहीं रहा है इस पर और फट जा रहा है। वो भी ये भी कपलर किसी तरह से इसे फंसा दिया गया था, और नया दो कपलर देखिए, दो कपलर हम ख़राब कर चुके हैं। एक कपलर ये ख़राब हो गया, एक कपलर है, दो कपलर ख़राब कर चुके हैं, क्योंकि इसका थ्रेड बिल्कुल ख़राब है। और चूँकि अगर दूसरा कोई मटेरियल होता तो सही भी रहता, और चूँकि ये लोहा का है ये खुद तो कटेगा नहीं। तब इसको हम खोल के बाहर निकाल रहे हैं, और आप इस तरह की समस्या आ जाए तो कैसे निपटेंगे बताएंगे आपको, बने रहिए। ये खुल गया है और ये देखिए आपके सामने बाहर आ रहा है, ये इसमें ऑयल भरा हुआ है। तो इसमें जो भैया जो गरारा है कटा है, सही है ना? सही है, सही है, सही है। सारे गियर सही है, देखिए अभी सारे गियर सही है। अभी चला ही नहीं है, 2-4 दिन में चलने में थोड़ी गियर कट जाएगा, ये 2-4 साल में ख़त्म होता है। केवल कमी इसके थ्रेड में है, कमी इसके थ्रेड में है। इसको भी अभी हम थ्रेडिंग कराना पड़ेगा, बने रहिए। क्या होगा कैसे होगा बताएंगे लास्ट तक। तो दोस्तों हम इसको थ्रेडिंग करा के ला दिए हैं, अभी थ्रेडिंग करा के लाए हैं, अभी सेट किए हैं, और अब वही कपलिंग देखिए, जो कि कपलर नहीं बैठ रहा था ढंग से, अब वही कपलर देखिए आराम से बैठ जाएगा। देखिए एकदम पानी की तरफ अब वही बैठ रहा है, और अब इसको सेट किया जाएगा। सेट करने के बाद देखिए फर्स्ट क्लास हो गया। सेट करने के बाद पता चलेगा कि क्या कंडीशन है और इसमें कुछ करना है कि नहीं करना है, के लिए बने रहिए। इसको आपको इसी तरह से टाइट कर लेना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कारगरी नहीं है। दो बोल्ट दिया हुआ है, इसी बोल्ट के सहारे रुका हुआ है, और इसको आप टाइट कर दीजिए। ये हो गया कंप्लीट, और तभी ये फंस रहा है। तो ये तो बंद गया, चलने लगा। अब कपलर लगाया जाएगा इस पर वाशर लगा हुआ था, वाशर लगा दिया जाए क्योंकि ऊंचाई दिया गया था, थोड़ा सा वाशर लगा के। और इसके लिए एक मिनट इसको टाइट करना है। अभी देखिए इस समय तो एकदम स्मूथ चल रहा है, जार लगा के देखा जाए क्या कंडीशन है। जार में कुछ टाइट है क्या?
चलो देखिए सेम कपलर लग गया, ये दूसरे मॉडल का कपलर चला, ये और यहाँ पे इसको ट्राई करना भी है कि ये ओके हो गया नहीं हो गया है, काम करेगा नहीं काम करेगा। इसमें मटेरियल आया हुआ है, इसमें डाल के जूस बनाया जाएगा, देखा जाएगा काम करता है नहीं काम करता है, तो बने रहिए। तो ये बेल निकाला जा रहा है, तैयारी चल रहा है टेस्टिंग के लिए। एक जार बनाया जाएगा भर के और पिया जाएगा, गर्मी का सीज़न है। तो दोस्तों परेशानी अभी भी है इसमें, ये पकड़ रहा है चलाने, स्मूथ नहीं चल रहा है, अटक रहा है, अटकना नहीं इसको चाहिए। तो गियर चेक कर हो रहा था तो पहले कहीं कोई दांता तो इसका टूटा नहीं है, कहीं कोई दांता टूटा नहीं दिख रहा है। अब केवल चेक यही करना है कि कोई ये देखिए दोस्तों, ये हिल रहा है ये गियर, ये देखिए करीब से थोड़ा देखो, ये देखिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब ये जब मूव करने लगेगा तब उसको ढंग से चलने नहीं देगा, कहाँ से कि ये कम से कम फिट होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये हो गया स्थिर, खड़ा हो गया है और खुला है तो लगे हाथ सारे बोल्ट टाइट हो जाएं। इसको थोड़ा सा और टाइट कर दे रहे हैं, ये वाला भी, ये भी थोड़ा टाइट हो गया और इसमें कुछ और टाइट करने के लिए है नहीं, एकदम स्मूथ चल रहा अभी। अब प्लेट लगा के देखा जाए क्या स्टोरी है इसका, ये पतला वाला यहाँ पे लगेगा साइड में, क्योंकि इसको ऊपर जो है हमारे जार का बेस रहता है, तो पतले वाले को पहले फंसा लीजिए और इनको। अभी बिल्कुल न्यू मशीन है दोस्तों, दो दिन का चला हुआ खाली है, तो इसमें गियर ख़राब होने का चांस है नहीं, केवल इसमें खुलने और लूज होने की संभावना बनी रहेगी। उम्मीद है कि अब ये सही काम करेगा, फिलहाल अभी ओके होने के बाद ही पता चलेगा परेशानी दूर हुआ है कि नहीं। पकड़े पड़ी हो साइड में, मशीन पकड़ो बढ़िया। तो दोस्तों ये मशीन देखिए बनके तैयार हो चुका है,
शरबत भी बन गया है और हमारे भाई साहब के चेहरे पे मुस्कान भी बनी हुई है क्योंकि उनका मशीन बन गया। अपने हाथ से चला के इसको ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं काम कर रहा नहीं काम कर रहा है, और यह अब अच्छा काम कर रहा है, अटक भी नहीं रहा, फंस भी नहीं रहा, अटक रहा था बार बार, अंदर कुछ टेक्निकल इशू था। और ये अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहे हैं। बैठेगा कहे नहीं भाई, देखिए बचा के वायर वायर मत लेकर आइए, चालू है सब। हाँ चलिए, अरे जब बांधा जाएगा तब ये बहुत परफेक्ट काम करेगा, घबराइए मत। चलिए ठीक, अब शरबत बन के तैयार है, शरबत भगोने में डालो और लेकर चले जाओ। हाँ नमस्कार भैया। तो दोस्तों आपके सामने शरबत तैयार हो गया है और मशीन ओके है। हाँ दोस्तों तो ये तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत दूर से हमारे भाई साहब आए थे, ये अब इनका बन गया, इनके चेहरे पे मुस्कान भी आ गई है। तो इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए आपसे बोलते हैं जय हिंद जय भारत।